ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट वचन है हबाकुक 3:17-18 से। 17 में लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाख लताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में ना अन्न उपजें, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो भी, येट इंग्लिश में लिखा है, येट आई विल रिजॉइस। दोस्तों, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, तो भी हमने प्रसन्न रहना है। हमारे सब दोस्त हमें छोड़ देंगे, तो भी हमें प्रसन्न रहना है। आपकी नौकरी जा सकती है, तो भी हमें प्रसन्न रहना है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, पहाड़ आ सकता है, तो भी हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि 3:19 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पांव को हिरनों के समान बना देता है और वो मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। क्योंकि हर विक्ट्री से पहले बड़ा चैलेंज आएगा, और याद रखें, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी विक्ट्री होगी। आपने सिर्फ विश्वास से एक ही बात कहनी है, येट आई विल रिजॉइस, तो भी मैं आनंदित रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आनंद बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। आज आपका मिरेकल आपका दरवाजा खटखटा रहा है, और आपने सिर्फ ये कहना है कि आई विल रिजॉइस, और आपने यीशु मसीह के नाम से कहना है, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू।